बड़े बयान के साथ। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का बड़ा बयान आया है। भोपाल में पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि हम 3 से 4 बार चुनाव हारे हैं और हर चीज के लिए बीजेपी को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। उन्होंने साफ कहा कि हम में भी कमियां हैं और आने वाले 3 से 4 साल में उन्हें ठीक किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस संगठन को मजबूत किया जाएगा और विचारधारा पर काम होगा। 3 साल 3-4 बार हम चुनाव हारे हैं, इसका मतलब हम सारा दोष बीजेपी को नहीं दे सकते। हमारी भी कमियां हैं, उनको भी सुधार करना और उन पर काम करना, पार्टी में क्या कमी है उसको निर्धारित करना और उसके सुधार के लिए प्रयास करना, तो मैं मानता हूं उस पर काम चालू है। हर चीज के लिए बीजेपी जिम्मेदार नहीं, आने वाले 3 से 4 साल में इसे ठीक किया जाएगा, कमियों को ठीक किया जाएगा, कांग्रेस संगठन को मजबूत किया जाएगा। जीतू पटवारी ने यह बड़ा बयान दिया, विचारधारा पर काम करना होगा और आगे ये काम किया जाएगा। हम 3 से 4 बार हारे हैं, हर चीज के लिए बीजेपी जिम्मेदार नहीं है, कांग्रेस में भी कमियां हैं। जीतू पटवारी का ये बड़ा बयान, लंबे अरसे बाद कांग्रेस संगठन की तरफ से या कांग्रेस के किसी जिम्मेदार पद की तरफ से या किसी पदाधिकारी की तरफ से, पीसीसी अध्यक्ष जैसे जिम्मेदार पद पर बैठे हुए किसी जिम्मेदार की तरफ से कहा गया कि हां कांग्रेस में भी कमियां हैं। जीतू पटवारी ने बड़ा बयान दिया, आने वाले 3 से 4 साल में इसे ठीक किया जाएगा, कांग्रेस संगठन को मजबूत किया जाएगा और हर चीज के लिए बीजेपी जिम्मेदार नहीं है, यह बात भी उन्होंने कही। सीधा आपको लिए चलेंगे भोपाल, वासु चौरे हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वासु, लंबे अरसे बाद किसी जिम्मेदार के मुंह से, वैसे तो बीजेपी की तरफ से हर बार कहा जाता है, पर किसी जिम्मेदार के मुंह से यह स्वीकारा गया, कम से कम एक बेहतर शुरुआत कांग्रेस के लिए। वासु, निश्चित तौर पर देखिए, विधानसभा चुनाव के जो परिणाम कांग्रेस के लिए आए थे वो बिल्कुल जो उन्होंने दावे किए थे उसके विपरीत रहे, और उसके बाद लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस को एक बार फिर से फाइट करने के लिए बहुत ज़्यादा समय नहीं मिला। संगठन में बड़ा बिखराव देखने को मिला, कई बड़े नेता पार्टी छोड़ गए, कार्यकर्ता पार्टी छोड़ गए, लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस का ये कहना है कि हमने पूरी दमखम के साथ चुनाव लड़ा है और बेहतर परिणाम आएंगे, डबल डिजिट तक जो है मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सीटें पहुँच सकती है, ये दावा कहीं ना कहीं कांग्रेस की ओर से किया गया है। और इसके अलावा अब जो 3-4 साल का समय है, क्योंकि अब लोकसभा और विधानसभा के चुनाव अभी हुए हैं, अब वो 4 से 4.5-5 साल बाद होंगे, और जो नगरीय निकाय और परिषद पंचायतों के चुनाव होते हैं उसमें भी 3-4 साल का जो व्यक्त है अभी बाकी है। तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने खुले मंच से इस बात को स्वीकारा कि कमियां कुछ हम में भी हैं, उन पर काम करने का काम करेंगे, संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे, ग्राम पंचायत स्तर तक हम अपने संगठन को लेकर जाएंगे, और इसके अलावा कांग्रेस की जो एक आइडियोलॉजी है, एक जो विचारधारा है उसको भी प्रमोट करने का काम करेंगे। बहरहाल देखना होगा कि इस तरीके की बातें और इस तरीके की वादे पहले भी कई बार हुए लेकिन उनका रिफ्लेक्शन जमीनी स्तर पर देखने को नहीं मिला। सत्ता से दूर कांग्रेस मध्य प्रदेश में लंबे अरसे से है, देश में भी लंबे अरसे से सत्ता से दूर है कांग्रेस। अब जो जून के पहले सप्ताह में नतीजे आएंगे लोकसभा चुनाव के, वो बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अगर वो चुनाव के नतीजे कांग्रेस के पक्ष में आते हैं, बीते चुनाव से कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करती है, तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं को मोरल बूस्ट होगा और जो बात जीतू पटवारी कह रहे हैं उसको इंप्लीमेंट करने में भी ताकत मिलेगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। वासु, आप लगातार हमारे साथ बने रहें, दुर्गेश केसवानी साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़े, उनका एक रिएक्शन ले लिया जाए। केसवानी साहब, आखिरकार जीतू पटवारी ने कहा है कि हम में भी कमियां हैं, मतलब कांग्रेस में भी कमियां हैं, हर बात के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराना ठीक बात नहीं। दुर्गेश जी, देखिए मुझे लगता है कि जीतू पटवारी जी देर आए दुरुस्त आए की कहावत चरितार्थ कर रहे हैं, और जीतू पटवारी भली बात ही जानते हैं कि कांग्रेस में जिस तरह से भगदड़ उनके नेतृत्व में मची है वो पूरे प्रदेश ने देखा, पूरे देश ने देखा। 4.5 लाख से ज्यादा लोग कांग्रेस छोड़ के गए, कांग्रेस जीतू पटवारी जी के समय डूबता हुआ जहाज है, और निश्चित रूप से आज उन्होंने इस बात को स्वीकार करने का काम किया है कि गलतियां उन्हीं में है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को आत्ममंथन के दौर से गुजरना चाहिए, समीक्षा करनी चाहिए कि क्या उनके नेतृत्व में कमी है, क्यों कार्यकर्ता एकजुट नहीं हो पाए, क्यों कार्यकर्ता कांग्रेस को छोड़ते गए। मुझे लगता है कि आज तो प्रदेश नेतृत्व में ही कमी, प्रदेश नेतृत्व में ही कुछ करने की जरूरत है या राष्ट्रीय स्तर पर भी कुछ जरूरत लगती है केसवानी साहब? देखिए कांग्रेस को तो मुझे लगता है कि देश भर में सोचना चाहिए, क्योंकि देश की सबसे पुरानी पार्टी है और आज जिस तरह से उसमें बिखराव है, जिस तरह से टूट फूट है, जिस तरह से भगदड़ है, जिस तरह से लोग छोड़ते जा रहे हैं कांग्रेस को,
वो निश्चित रूप से शोर इंगित करता है कि कांग्रेस को बैठकर समीक्षा करनी चाहिए कि आखिर गलती क्यों है, क्यों कार्यकर्ता छोड़ते जा रहे हैं, क्यों कार्यकर्ता दलों का। शैलेंद्र पटेल साहब, मैं रुक रहा हूं आपको केसवानी साहब, शैलेंद्र पटेल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र पटेल साहब, जीतू पटवारी का बयान आया है कांग्रेस में भी कमियां है, हर बार बीजेपी को दोष देने से नहीं होगा, बड़ी बात कही उन्होंने। जी ललित जी, मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में था जहां उन्होंने ये बात कही गई थी। हमें स्पष्ट कहा कि मध्य प्रदेश में चार चुनाव हुए और चार में अगर हमारे हैं तो हम पूरा ही दोष भारतीय जनता पार्टी को नहीं दे सकते, कुछ आत्मावलोकन हमें भी करने की आवश्यकता है। जो हमें कमियां रह गई हैं आज के समय की राजनीति में, जिस हिसाब से जो चीजें चल रही हैं, हमें कहां कहां और आगे सोचना चाहिए और किस हिसाब से उनको दूर करके आगे बढ़ना चाहिए, विजन की बात की है। और मैं हमेशा ये कहता हूं और ये मानता हूं कि हम पहले स्वीकृति करेंगे, कुछ कमियां तो सुधार लाएं, कोई गलत बात तो नहीं है। अगर हम हमेशा कहेंगे कि हम बिल्कुल सही हैं तो ही बात नहीं चलेगी ना भाई। अगर बोल्डली ये बात कहता है, मीडिया से अगर ये कहता है कि अगर कोई कमी है तो हम उसको विचार करेंगे और उसको सुधार करेंगे, तो वो सच बात है और उसमें गलत क्या हो गया? और भारतीय जनता पार्टी को उसमें कुछ सोचने और समझने की या पेट दुखने की बात क्या हो गई? नहीं नहीं, खुश है केसवानी साहब, खुश है कि कम से कम कोई सर्जरी जैसी बात कही जा रही है। चलन जी, एक बात और कि आमतौर पर इस तरह से चुनाव के परिणामों के बाद अक्सर इस तरह की बात आती थी कि हाँ हमें कमियां हैं, हम उनमें सुधार कर रहे हैं, इस बार परिणामों के पहले ये बात निकलकर सामने आई है, कोई इफेक्ट? ललित जी, उन्होंने ये कहा मध्य प्रदेश में विधानसभा के चार चुनाव आ रहे हैं और उसी उसी संदर्भ में उन्होंने ये बात जी उसी संदर्भ उन्होंने बात कही थी। लोकसभा के चुनाव तो 4 तारीख को आएंगे और उन्होंने ये भी कहा कि हम डबल डिजिट में सीटें लेकर आएंगे मध्य प्रदेश। आप आश्चर्यचकित नहीं करें, वो तो एक भी सीट नहीं देना चाह रहे थे, 400 पार की बात करते थे, 370 वोट बढ़ा की बात करते थे, लेकिन वो सारी की सारी बातें तो खोखली होती जा रही है। हम उन सब बातों को ना करते हुए, क्योंकि लोकसभा चुनाव मध्य प्रदेश में हो चुके हैं, अब अगले विजन में आप निश्चित रूप से 2028 का विधानसभा चुनाव ही उनके लिए महत्वपूर्ण है, हम सबके लिए महत्वपूर्ण है, उन्होंने उस संदर्भ में वो बात कही। ठीक है शैलेंद्र जी, एक रिएक्शन दरअसल चाहिए था आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। केसवानी जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, वासु लगातार हमारे साथ बने रहे, और वासु आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो मध्य प्रदेश में चार चरणों में हुए लोकसभा चुनाव के बाद पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने बेहतर प्रदर्शन को लेकर कार्यकर्ताओं को बधाई भी दी। भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि विधानसभा के नतीजे उम्मीद के विपरीत थे, लेकिन लोकसभा चुनाव में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मोटिवेट होकर काम किया। उनकी माने तो चुनाव में कई बातें हमारे लिए अच्छी रहीं, बुरी भी रहीं, बीजेपी पर हमला भी किया। कहा बीजेपी ने सभी 29 में से 29 सीट जीतने का दावा किया, लेकिन अंतिम चरण तक वो इस दावे को भूल गए। उन्होंने ये भी कहा कि हर बूथ पर 370 वोट बढ़ाने का अभियान चलाया गया, लेकिन वोटिंग तो कम हुई। जो हमारे कार्यकर्ताओं ने, जो कांग्रेस जनों ने और आम जनता ने, जो 3 महीने में ही फिर से कांग्रेस पार्टी के मोटिवेशन को उठाया, वो भी मैं सभी कार्यकर्ताओं को, सभी कांग्रेस जनों को भी मैं आपके माध्यम से खूब धन्यवाद देना चाहता हूं, कार्यकर्ताओं का स्वागत भी करना चाहता हूं और आभार व्यक्त भी करना चाहता हूं। बीजेपी का जो मोटिवेशन था, आपकी बार 29 की 29, आपकी बार 405, मैं समझता हूं कि चार चरण हुए, जब तक आखिरी चरण में तो भूल ही गए वो कि आपकी बार 29 की 29, और उसके पहले जब पत्रकार सवाल पूछ लेते हैं तो बोल देते हैं कि हाँ 29, पर शुरुआत जिस तरीके से की थी, 375 हर बूथ पे वोट बढ़ाने हैं उसको लेकर अभियान चलाया, 50% बूथों पर 375 वोट ही नहीं डले हैं। और इधर लोकसभा